गौतमपुरा के पास चंदनखेड़ी में बहे दो युवक, एक को ग्रामीणों ने बचाया पर दूसरा अभी भी है लापता। मालवा मिरर के लिए गौतमपुरा से टोनी जैन की खबर। गौतमपुरा से 22 किलोमीटर दूर चंदनखेड़ी की पुलिया से दूध की केन ले जा रहे दो युवक कल शाम को पानी के तेज बहाव में बह गए। एक युवक को ग्रामीणों ने बहते हुए नाले से लगभग 100 मीटर दूर पर बचा लिया, परंतु दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। क्षेत्र में अधिक बारिश होने के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसी कारण से इस गांव में पुलिस भी नहीं पहुंच पाई, पर करीब 300 से ज्यादा ग्रामीण जनों ने 4 से 5 किलोमीटर तक जाकर युवक को ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूरा खां, पिता बाबू खां और आशिक पटेल अपने खेत से गांव की चौपाल पर दूध की केन लेकर जा रहे थे। खेत से गांव के बीच एक बरसाती नाला पड़ता है जिसकी पुलिया पर काफी पानी था। दोनों युवकों ने पैदल चलते हुए पुल पार करने की सोची, परंतु पानी के तेज बहाव के कारण दोनों युवक बह गए। गौतमपुरा थाना प्रभारी मनीष डाबर अपनी टीम के साथ चंदनखेड़ी के लिए निकले, परंतु रास्ते के सभी नदी नाले उफान पर होने से 3 घंटे इधर उधर मशक्कत के बाद पुनः थाने लौटना पड़ा। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह थी कि यह गांव पूरी तरह से टापू बना हुआ था और जिस आशिक पटेल को ग्रामीणों ने बचा लिया था उसके इलाज के लिए भी कोई डॉक्टरी सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि उस गांव से आशिक को बाहर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।